स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं, और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि CBSE ने जो एग्ज़ाम का जो नया पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस किए हैं। और ये छोटा मोटा चेंज नहीं है, बहुत ही बड़ा चेंज है। और ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जो बच्चे भविष्य में जो आने वाले उनको एग्ज़ाम्स जिसमें वो अपियर होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन चेंजेस को किया गया है। हालांकि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंज हुआ है इसके लिए काफ़ी समय से CBSE ने एक कमेटी बनाई थी, और जो पूरे इस पैटर्न को, जो पेपर का पैटर्न था उसको उसने अध्ययन किया, और फिर फाइनली उन्होंने कुछ इस तरीके का पूरा जो सेटअप एक पेपर का बनाया है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि जो पेपर में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरीके से अरेंज किए रहेंगे, उनको पर क्वेश्चन किस तरीके से मार्क्स अलॉट किया जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस पर ऐसा चेंज करने का मेन जो पर्पस था वो क्या था CBSE का और जो टीम कमेटी बनाई गई थी, हम सारी जानकारी जानेंगे। और उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं ये पूरी तरीके से इसी पैटर्न पर होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि आपको स्कूल्स में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पुराने पैटर्न थे अब उस पैटर्न पर एग्ज़ाम नहीं होंगे, बिल्कुल भी नया पैटर्न आएगा और नए पैटर्न पर यहाँ पर अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा CBSE, ठीक है। तो अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं CBSE का जो नया पैटर्न है वो नया पैटर्न किस तरीके से है और किस तरीके से वो नए पैटर्न पर वो CBSE यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द ड्राफ्ट ऑफ CBSE न्यू एग्ज़ाम पैटर्न 2019-20 हैज़ बीन रिलीज्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2019। यानी ये जो ड्राफ्ट था ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2019 में ये चीज़ जानकारी आ गई थी। द डिटेल करिकुलम एंड द ब्लूप्रिंट विल बी अवेलेबल इन अप्रैल 2019, यानी जो टोटल उसका जो प्रोफार्मा है वो अप्रैल 2019 में अवेलेबल होगा, ठीक है। एज पर द न्यू एग्जाम पैटर्न CBSE हैज़ गिवन मोर वेटेज टू स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है, पहली चीज़ है स्कूल बेस्ड असेसमेंट और दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अब उनके जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, और स्कूल बेस्ड असेसमेंट है जैसे कि रेगुलर टेस्ट होते हैं आपके, प्री बोर्ड्स होते हैं या अलग से जो हाफ एनुअल ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग से जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उनमें से जो बेस्ट टेस्ट होंगे उनका मार्क्स भी इसमें लिया जाएगा, और साथ में बच्चे का बिहेवियर और साथ में उसका क्लास वर्क, क्लास नोट्स, किस तरीके से वो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, उनके लिए भी इंडिविजुअल मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए इंटरनल असेसमेंट इन ऑल सब्जेक्ट, यानी जितने भी सब्जेक्ट अभी तक लगते थे, अभी तक सिर्फ मैथ में भी नहीं था, साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगते थे या कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें प्रैक्टिकल्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के नाम पर अलग से रहता था, ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स के नाम पे 30 मार्क्स अलॉट किए जाते थे, तो अब ऐसा ना हो कि सभी सब्जेक्ट में ये चीज़ें कंपलसरी कर दिया गया है, यानी किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो उसमें 20 मार्क्स का असेसमेंट तो कंपलसरी ही रहेगा। द इंटरनल असेसमेंट वाज पार्ट ऑफ CBSE असेसमेंट सिस्टम बट इट वाज नॉट अवेलेबल इन ऑल द सब्जेक्ट, क्योंकि पहले ये जो इंटरनल असेसमेंट सिस्टम था CBSE का ये ऑल सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये क्या हो गया, अभी सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल रहेगा। क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस आर सम एग्जांपल्स विथ नो इंटरनल असेसमेंट। जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस है इसमें कोई किसी भी प्रकार का इंटरनल असेसमेंट नहीं था। नाउ इन द न्यू स्कीम असेसमेंट ऑल द सब्जेक्ट विल हैव 25%, दैट मीन 20 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स, यानी 25% मार्क्स के जो रहेंगे वो रहेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के, यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपका 20 मार्क्स का जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं टोटल इंटरनल असेसमेंट जो होंगे वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। अभी जो कुछ एग्ज़ाम्स जो अभी होने वाले हैं, तो जो आने वाला जो मेन पैटर्न है उसको, जो बाकी जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाला है जैसे हाफ ईयरली होने वाला, तो उसमें सेम पैटर्न को यहाँ पर लागू किया जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर अब जो सीबीएसई है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी सिर्फ 80 मार्क्स के लिए, ठीक है। सीबीएसई एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगी वो 80 मार्क्स के लिए स्पेशली एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। हाउएवर सम सब्जेक्ट्स एंड फाइन आर्ट्स विल कंटिन्यू टू बी 70 एंड 30 मार्क्स, यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 70 और 30 का रेशियो मेंटेन रहेगा। जैसे कि आपका जैसे कि हम बात करें साइंस में जो होता था आपका, वो इसी तरीके से रहेगा 10th में और 12th में, पहले जिस तरीके से था सेम उसी तरीके से रहेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का 80+20 का रेशियो रहेगा, यानी 80 का एग्ज़ाम होगा और 20 आपको इंटरनल असेसमेंट्स दे दिए जाएंगे। इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन पेपर, पहले क्या होता था कि जो इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन पेपर्स थे वो काफ़ी काफ़ी कम होते थे, लगभग 20 से 25% क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस होते थे, यानी जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें और करके आता है अथवा करके रहता है, या इस क्वेश्चन को करिए या इस क्वेश्चन को करिए। तो अब जो इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो नंबर है किसी भी पेपर में, अब पूरे पेपर के जितने क्वेश्चन होंगे उसके 33% क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी होगी, यानी आपको विकल्प देना होगा बच्चे को कि आप इस क्वेश्चन को करें या दूसरे क्वेश्चन को करें। बच्चे के पास विकल्प होगा कि जो क्वेश्चन उससे बेहतर आता है उस क्वेश्चन को वो कर सकता है। द सेम विल कंटिन्यू इन 2020 आल्सो एंड दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू ऑल सब्जेक्ट, और ये जो है सभी सब्जेक्ट में ये कंपल्सरी रूप से किया गया है क्या, 30% इंटरनल चॉइस बच्चों को देने की। नाउ स्टूडेंट विल फाइल 30% इंटरनल चॉइस इन ऑल द सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर इन ऑल सब्जेक्ट्स, यार आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट में। दस स्टूडेंट्स विल हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज द क्वेश्चन, अब बच्चों के पास जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं उनकी जो नंबर होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जो जो क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्हें आता है वह उसका जवाब वो दे सकते हैं। दिस विल हेल्प देम टू आंसर द क्वेश्चन दैट दे नो बेटर, जो क्वेश्चन का आंसर वो बेहतर जानते हैं उसका जवाब वो दे सकते हैं। मीन द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल रिड्यूस बाई 33%, यानी अभी जब जो डिफिकल्टी लेवल होती थी अब वो डिफिकल्टी लेवल रिड्यूस हो जाएगी, कहाँ तक, 33% डिफिकल्टी लेवल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ विकल्प बढ़ जाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा बेहतर करने की, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा मिल जाएंगे, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो नया चेंज है, जो मेन मोटिव है, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, बहुत कम आते थे, इनफैक्ट ना के बराबर आते थे, एक या दो क्वेश्चन होते थे 1-2 मार्क्स के, बाकी 1 नंबर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बहुत कम होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या ज़्यादा होगी। अनदर गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट इज़, जो बच्चों के लिए एक और अच्छी खबर है, द सीबीएसई विल पुट 25% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट मीन नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 25% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, साथ में उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। इट मीन दैट देयर विल बी एटलीस्ट 20 मार्क्स क्वेश्चन आउट ऑफ 80 मार्क्स, यानी अगर 80 नंबर का पेपर होगा तो जिसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मिल सकते हैं, और इनमें भी कुछ हो सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, इस तरीके के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको 10 क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बाकी 10 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस हो भी सकते हैं या वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं या किसी और प्रकार से हो सकते हैं। नाउ द सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेयर स्टूडेंट नीड टू राइट डिटेल आंसर विल कैरी ओनली 60 मार्क्स, यानी जो जिन क्वेश्चन में बच्चे को पूरा डिटेल आंसर लिखना होता था अब उनका जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स तक रिड्यूस कर दिया गया, यानी सिर्फ 60 मार्क्स को डिटेल आंसर क्वेश्चन में लिखा जाएगा। यहाँ पर दिया है इन अदर वर्ड द ओवरऑल 60% ऑफ असेसमेंट नीड टू राइट आंसर इन डिटेल, रेस्ट ऑफ 40% इज ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इंटरनल असेसमेंट, यानी अगर पूरे पेपर की बात करें तो 60% पेपर में जो बच्चे को रिटन आंसर देना होगा, बाकी 40% में बच्चे को ऑब्जेक्टिव टाइप और इंटरनल असेसमेंट से उसको नंबर मिलेंगे। वाई द असेसमेंट प्रोसेस चेंज, यानी जो असेसमेंट प्रोसेस है ये क्यों चेंज किया गया, सभी सब्जेक्ट में क्यों लाया गया है, ठीक है। जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में कंपलसरी क्यों किया गया है, इसको लाने का क्या मोटिव था, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द नीड फॉर द चेंज इन द असेसमेंट प्रोसेस, हम जाइए जानते हैं हम क्या जरूरत थी जिस वजह से चेंज करना पड़ा।
as per the CBSE circular, the board has always stressed that its student must acquire the skill of critical thinking, problem solving, analyzing information, collaboration, effective communication, developing curiosity and imagination as part of the learning process. Further, there is a need of exposing the students to different types and format of question in the year end board examinations. यानी कई प्रकार के क्वेश्चन बच्चे को सभी प्रकार से जितने भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हों लेकिन बाहर की लाइफ से भी रिलेटेड हों, और जो उनका जो इफेक्ट हो किस प्रकार से वो पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट होगा, और बच्चा जो उन क्वेश्चन से क्या लर्न करता है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज सीखता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और साथ में उनके सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन होंगे. सो दैट द लार्ज रेंज ऑफ लर्निंग आउटकम्स कैन बी असेस्ड. यानी बच्चे ने क्या क्या सीखा है उसको हम कई अलग अलग एंगल से हम उसको देख सकते हैं, उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं. CBSE also emphasized on future ready assessment tool to get ready for PISA program for international student assessment in 2021. ठीक है, और इसके लिए भी इन्होंने ये प्रोग्राम जो है इसके लिए बच्चों को तैयार करने के लिए भी ये फॉर्मेट को यहाँ पर लाया है. इज इट रियली हेल्पफुल, क्या ये रियली हेल्पफुल होगा, ऐसा क्यों किया गया, ये चेंज लाने की क्या जरूरत थी, आइए हम उसके बारे में जानते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पूरे जो चेंज हुआ है उसका कारण यहाँ पर बताया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा. वी नो दैट ऑल द कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम्स हैव एग्जैक्टली अपोजिट असेसमेंट प्रोसेस दैट ऑफ एडॉप्टेड बाई CBSE इन स्कूल्स. यानी जो बाहर के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे IIT का, NEET का हो गया, उसमें आपके ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी तक CBSE इन क्वेश्चन को नहीं प्राथमिकता देता था. तो उससे हुआ ये कि बच्चे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में उनको दिक्कत जाती थी और बच्चे कोचिंग्स के लिए जाते थे. ये जो MCQ टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती थी ये कोचिंग्स कवर करवाती थी. ठीक है, तो जब स्कूल में बच्चा पढ़ाई ही कर रहा है तो क्यों ना बच्चा MCQ क्वेश्चंस को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करे. जो बच्चे अभी तक CBSE की पढ़ाई करते थे सिर्फ CBSE एग्ज़ाम्स के लिए, वो MCQ पर बहुत कम फोकस करते थे क्योंकि वो जानते थे, सोचते थे कि वो शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब वो इस तरीके से उसको पढ़ेंगे कि हमारे सिलेबस में है और आगे उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें जाने में भी उनको सहायता मिलेगी. ठीक है, तो ये इसी वजह से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो यहाँ पर इन्वॉल्वेशन हुआ है वो इसी वजह से किया गया है. CBSE एसेस द स्टूडेंट ऑन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेयर एज आफ्टर स्कूल स्टूडेंट फेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन एग्जाम. द गैप बिटवीन द टू डिफरेंस असेसमेंट प्रोसेस इज फिल्ड बाई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट. यानी जो MCQ क्वेश्चंस की पढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो गई थी. स्टूडेंट्स हैव नो ऑप्शन, स्टूडेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं. दे हैव टू ज्वाइन these so-called gateways to success along with their schools, as the school syllabus do not teach them how to tackle objective questions in entrance exam. यानी जो बच्चे थे 11th 12th के वो साथ ही साथ कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते थे और स्कूल भी ज्वाइन करते थे और उनके ऊपर ओवरबर्डन होता था कि दोनों को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, लेकिन अभी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ी हद तक तो सॉल्व होगी और टीचर्स भी अब इसको इस पर ध्यान देंगे, बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे. ठीक है, द न्यू इनिशिएटिव विल क्लियरली हेल्प स्टूडेंट टू गेट रेडी फॉर द असेसमेंट प्रोसेस आफ्टर द स्कूल एग्जाम. यानी जो ये न्यू इनिशिएटिव लिया गया है ये बच्चों को डेफिनेटली हेल्प करेगा आने वाले भविष्य में, और अब बच्चे ज़्यादातर MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे. तो अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन पेपर में आपके मार्क्स कैसे अलॉट किए जाएंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको हम जो अगला अपडेट है कि पेपर किस तरीके से बनाया जाएगा उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और जो भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.